यो सुन गाइस, कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है हमारे गेमिंग चैनल में। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जो हमारा विलेज है उसके तू आ जा पहले, नहीं तू आ जा पहले मतलब इंट्रो भी करने नहीं देते ये तो। अरे अरे रुक जा, जरा रुक जा, सब्र कर थोड़ा। तो आप सभी को याद होगा कि हमारा जो विलेज है उसके पीछे, पिछले एपिसोड में हमारे विलेज के पीछे एक और विलेज था। तो हमने वहाँ गए और हमने देखा कि वहाँ एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिवीन थी, तो हम उसके अंदर माइनिंग करने गए। हमने सोचा क्या पता वहाँ डायमंड या गोल्ड वगैरह मिल जाए। और तुम्हारे भाई की किस्मत इतनी अच्छी कि वहाँ जैसे ही हम रिवीन में उतरे वहाँ डायमंड तुम्हारे भाई के हाथ मिल चुके हैं। 4 डायमंड हमारी इन्वेंट्री में रखे हुए हैं। और अब हम यहाँ पे हैबेल तोड़ना है, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग करने वाले हैं विलेजर्स से बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। तो जल्दी से सारा हैबेल जो है इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत सारा है भाई साहब, बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं सारे का सारा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सारा का सारा हैबेल है जो हमने तोड़ दिया, और हमारे पास 46 हैबेल हैं। तो जल्दी से घर हम आ चुके हैं और जल्दी से सारा हैबेल जो है कन्वर्ट करते हैं वीट में, फिर ट्रेडिंग करेंगे विलेजर्स से। तो जल्दी जल्दी से हम जो है हैबेल की वीट बनाना शुरू कर देते हैं। और जल्दी 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 पता नहीं कितनी सारी बनेंगे, मैं तो बस क्लिक करता जा रहा हूँ। और पता नहीं ट्रेडिंग के बदले हमें क्या क्या मिलेगा, मैं भी नहीं सोच पा रहा। तो हमारी जो वीट है वो सारी की सारी बन के तैयार हो चुकी है। तो जल्दी से थोड़ा सा सामान इधर उधर कर लेते हैं। अब चलते हैं बाहर विलेजर्स को ढूंढने। सब ठीक है ना? 1 2 3 4 5 स्टैक और 30 अलग से हमारे पास इतनी है चुकी है वीट। एक स्टैक अंदर भी था तो 6 स्टैक हमारे पास है इस वक्त वीट के। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे विलेजर्स को ढूंढते हैं। अरे यहीं तो रहते थे फार्मर सारे। तो जल्दी से ढूंढते हैं, दिख तो नहीं रहे, पूरा गांव छानना पड़ेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कहां पर है। तो मैंने पूरा का पूरा विलेज छान लिया और मैंने देख लिया है कि यहां पर कोई भी विलेज नहीं है। तो मैंने ठान लिया कि हम एक विलेज ढूंढने चलते हैं जल्द से जल्द, और हमें बहुत सारा सामान की ज़रूरत है। तो यहां पर मुझे वही रिवीन में मैं आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे आयरन की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मुझे आयरन दिख गया, तो यहाँ पे ये रहा आयरन। तो जल्दी से इसे तोड़ते हैं, शील्ड वगैरह, थोड़ी चेस्ट प्लेट वगैरह बना लेते हैं। मेरी जुबान भी कितनी फिसल रही है, कोई बात नहीं। अरे यार पिकैक्स टूट गई, कोई बात नहीं, जल्दी से नहीं बनाते और तोड़ के चलते हैं घर पर जल्दी से। तो वहाँ पर मैं सारी की सारी जो है आयरन, सारा का सारा आयरन तोड़ के यहाँ पर रख लिया। और मैंने देखा कि यहाँ पर वुड नहीं है, तो जल्दी से मैं वुड लेके आया और जल्दी से इसे पहले जो भी प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं वुड को। कहाँ गए ये रे? सारे के सारे हमने कन्वर्ट कर लिए, अब इन्हें फर्नेस में डालते हैं सबको। अब ये पकने लगेंगे और हम पहले कंपास बनाएंगे, उसके बाद आगे का कुछ काम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ थोड़ा सा ही ज़रूरत का सामान लेके जाएंगे वहाँ के लिए, नए विलेज को ढूंढने के लिए। क्योंकि अगर हमें वो विलेज मिल गया और जगह अच्छी लगती है तो हम वहाँ से यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो जल्दी से कंपास बना लेते हैं, रेड स्टोन हमारे पास होगा, ये रहा, इसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं बस। हाँ 19 को वहाँ रखेंगे, 8 को यहाँ लेंगे। तो जल्दी से हटाते हैं अब जल्दी से। अरे आयरन तो ले लेना, आयरन ले लेते हैं अब जल्दी से। जल्दी से बनाते हैं कंपास और निकलते हैं एडवेंचर के लिए। तो हमारा जो आयरन है वो पूरा का पूरा पक चुका है, 14 आयरन हमारे पास हो चुके हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। चेस्ट प्लेट जो है हमने बना लिया, और बूट्स बनाए या हेलमेट बनाए कुछ पता नहीं चल रहा। पहले तो एक शील्ड बनाएंगे, जल्दी से एक शील्ड बना ली हमने, फिर बूट्स या हेलमेट क्या बनाए। तो हम ऐसा करते हैं अभी तो हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्या पता रास्ते में हमें आयरन की ज़रूरत पड़ जाए और वहाँ हम आयरन को यूज़ कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले चेस्ट प्लेट जो है हम पहन लेते हैं, और लेदर के बूट वगैरह बनाएंगे। बूट बने हुए हमें उस वो जो विलेज है ना जिसमें जाले लगे हुए थे, उससे हमें थोड़ा सा सामान मिल गया था, जूते वूते। तो जल्दी से आप बना ही लेते हैं आयरन के जूते, आयरन के जूते पहनेंगे, मजे आएंगे, बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे जो जूते हैं हमने बना लिया है, ये हेलमेट पहन लेते हैं,
शील्ड हाथ में पकड़ लेते हैं और जवान तैयार हो चुका है बाहर निकलने के लिए। अभी क्या रह गया, खाना तो ले ले भाई, खाना तो ले ले हाथ में। तो खाना ले लिया हमने और कुछ रेडस्टोन वगैरह रख देते हैं, डायमंड और बाकी सारा सामान हम जब वहाँ देख लेंगे फिर वापस यहाँ आएंगे फिर लेके जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं भाई साहब। सामने हमें दिख चुका है एक विलेज भाई, बहुत ज़्यादा दूर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद हमें यहाँ पे विलेज दिख चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से विलेज में चलते हैं भाई साहब। इतना दूर आ गया मैं अपने उस घर से कि पूछ भी नहीं सकते आप। तो सामने की तरफ में विलेजेस तो बहुत सारे दिख रहे, तो ट्रेडिंग की कोई कमी नहीं होने वाली। तो पहले तो हम इसे लूटेंगे, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। विलेजर्स तो भर के हैं, आयरन गोलम भी है। घर में चलते हैं, घरों को लूटते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, खाली घर है। सामने वाले के चलते हैं, ये दो मंजिल का घर है, इसमें कुछ बढ़िया देखने को मिल सकता है। इसे खोलते हैं, इसमें भी कुछ। अरे कैसा विलेज मेरे हाथ लग गया इतनी मेहनतों के बाद। रात भी होने लगी तो जल्दी से यहाँ बेड है, लेकिन हम पहले छानेंगे पूरे विलेज को फिर जाके सोएंगे। अब कौन से को देखो, सामने वाले को देखते हैं। तो सामने जल्दी से इसका गेट खोलते हैं, खुल। इसे उठा के ही सोएंगे हम। चल ले, चल उठ उठ। हाँ अच्छी बात है। तो जल्दी से सुबह हो चुकी है शानदार तरीके से। तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने एक केव में 30 या 28 आयरन बनाया लिया था। तो जल्दी से उसे फर्नेस में डाल लेते हैं और मैं अपने जगह वापस जा रहा हूँ ताकि अपने डायमंड वापस ला सकूँ। तो जल्दी से, और मैं अपनी जगह से इतनी देर बाद आया हूँ ना, और मेरे आयरन पक चुके हैं। हाँ पक चुके हैं, आपको दिख रहा होगा कि मैं अपने डायमंड जो ले आया हूँ, और मैंने बाकी सामान वहीं छोड़ दिया कि मुझे बस डायमंड से मतलब है और कुछ नहीं लाऊंगा। और वीट ले आया मैं अपने साथ। भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी, कोई बात नहीं, जल्दी से अपना चेस्ट प्लेट वगैरह जो है आयरन का बना लेते हैं और पावरफुल हो जाते हैं जल्दी से। तो ये रहा, और कुछ और कितना रह गया अंदर, 3 और 9 बचे हैं, 3 पंखे 9 और बचे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी से अब क्या क्या बन सकता है इसका। हेलमेट चाहिए बस हमें। अब हमारा पूरा का पूरा आर्मर जो है रेडी हो चुका है, आयरन का विद स्वॉर्ड। भाई साहब आगे तो हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसी तेज़ी से अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया ना, क्यों दबा दो ना यार, प्लीज़ दबा दो। तो जल्दी से इसे तोड़ते हैं, तो जल्दी से चेस्ट में जाते हैं, और अगली वीडियो में हम जो है एक बहुत बढ़िया स्वॉर्ड लेने वाले इंचाइटेड, वो भी क्या नाम है ये विलेजर से ट्रेडिंग कर के। तो जब वो देखना मत भूलना और पिछले के भी जरूर देख लेना हैशटैग। तो आज की इस वाली वीडियो में इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए गुड बाय।